तो ये सब सप्लीमेंट्स चला रहे हमारे जानवरों के लिए सारे के सारे, जो डिटेल के साथ बताऊंगा मैं आपको। सवेरे के 9:36 हो रहे हैं, मगर हमारी सवेरे तो सवेरे 8 बजे ही हो गई और हमारी नींद खुली है भाई बारिश की आवाज से, और जिस बात का डर था वही चीज हो गई भाई। ये देखो हमारी खलीफा में पानी चला गया नहीं ऐसा लग रहा था मुझे, मगर नहीं गया, मैंने तो चेक भी नहीं किया, बस गाड़ी निकाली और ये कवर लगाया इस पर और यहाँ पर रख दिया इसको। दरअसल हमारी खलीफा वहाँ पे पार्क थी, फिर मैंने यहाँ लगाई और अब यहाँ पे। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जितनी मोहब्बत हम हमारे जानवरों से करते हैं उतनी मोहब्बत हम हमारी सवारियों से भी करते हैं जिसपे हम सवार होते हैं हमेशा। क्यों जेट स्की? जेट स्की का कोई टेंशन नहीं है, जेट स्की इज रफ एंड टफ। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं भाई जिम जाने की, और हमारा गोट रूम का जो काम है वो सारा के सारा हो चुका है। गोट रूम का काम तो जस्ट अभी करके आया मैं, पहले वहाँ गया था, वहाँ के सारे काम निपटाया मैं और फिर जा रहे हैं अभी हम जिम को। बहुत काम किया है मैंने वहाँ पे, काफ़ी सारा काम किया है। ये तो अभी एंडिंग में किया, जब मैं अंदर सारे काम कर रहा था तब मुझे महसूस हो गया अंदर बहुत हवा आ रही है, तो मैंने ये पैक कर दिया अभी। और ये ऊपर से पैक था हमारा जो हीटिंग केज है वो, तो मैंने नीचे से भी पैक कर दिया उसको। बहुत सारा काम है वहाँ पे। और कल रात में एक जानवर को जो टेम्परेचर आया था वो अभी हमने सारे जानवरों को चेक किया, तो कोई जानवर को टेम्परेचर नहीं है, मगर हम जो दवाइयाँ चला रहे हैं वो तो चला ही रहे हैं, उसमें कोई बदल नहीं हो। चलो फटाफट अभी जिम जा के आते, फिर कुछ दवाइयाँ भी लेके आनी है और इनकी जो गिज़ा है ये जो खाते थे वो गिज़ा भी लेके आनी है इनके लिए। चलो भाई डन विद द वर्कआउट। 10:30 बजे हमारा वर्कआउट कम्प्लीट हो गया है, जल्दी वर्कआउट कंप्लीट हो गया। घर वालों ने हमें 11 बजे के पहले बुलाया था, उसी डर में ये जो है वर्कआउट फटाफट कंप्लीट करके हम घर पे भाग रहे हैं। उन्हें दरअसल कहीं पे बाहर जाना है, हमको जाना था जहाँ पे, उनको ही दे देंगे वो काम भी। देखो अरे दो यार अरे देखो भाई जाने तो बहुत लेट हो गया है, जल्दी इसके लिए तो निकला था। देखो तो वही, थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा मेरा कैच यार? इसके लिए तो मैं वापस आ गया और यहाँ पे मैं एंटर किया हूँ, तब ये भाई का फोन आया कि भाई आपके तो एयरपोर्ट जहाँ भूल गए आप, तो मैंने बोला अरे अच्छा होगा फोन कर दिया, जहाँ मैं भूला तो वही विंडो से नीचे फेंक दो, तो मिल गया अपने को, नहीं तो आज मोटा नुकसान हो जाता हमारा। ऑलराइट देखो नाश्ता रेडी हो गया हमारा भाई, वेरी गुड। 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड 5 eggs। कितने बजे हो रहा है हमारा नाश्ता? दोपहर के 12:30 बजने आ गए भाई। अभी तो घर में हम अकेले हैं, फटाफट इसे फिनिश करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने जानवरों के पास। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सवेरे सवेरे जल्दी उठ के ना हमने सारी चीजें कंप्लीट कर दी थी ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम दोपहर में जब हमारे जानवरों को पानी पिलाने के वक्त भी जाते हैं 1 बजे, वही टाइम पे जाएंगे और सारे जानवरों को एक साथ देंगे, मगर पहले गोट रूम में जाएंगे उनको पानी नहीं पिलाएंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। हमारे पास और आधा घंटा बचा हुआ है, तब तक खाते बिस्मिल्लाह। चलो भाई शुरू करते हैं, यहाँ नहीं जाते पहले यहाँ जाते हैं, वहाँ रिस्क ज्यादा है, यहाँ रिस्क नहीं है इसलिए। हे गाइस आई एम बैक, हाउ आर यू डूइंग? फीड वीट तो सब खा लिया है लोगों ने। अरे वर्षा व्हाट हैपेंड टू यू, तुमने फीड नहीं खाया, कम खाया है तुमने। चलो ओके कोई बात नहीं, देखते हैं फटफट झटपट फटाफट इनको पानी वानी पिलाते हैं और फिर वहां बढ़ते हैं। उनका भी तो करना है सब कुछ, उनको भी तो पानी वानी पिलाना है। और उनकी गीजा जो है वो हमें समझ में आ गई, वो क्या खाएंगे वो अम्मी से हमने मंगाई है, मगर उसके पहले हमारे पास है वो, तो हम लोग वो लेके आके उनको वो भी खिला देंगे, मगर इनको सबसे पहले पिलाते हैं पानी और डालते हैं हरी पत्ती। चलो भाई अंदर जाना पड़ेगा गर्म पानी लाने के लिए, क्लाइमेट तो क्या खतरनाक हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा। वहां पे तो बल्ब लगाए है करके सब कुछ ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती। चलो भाई यहाँ से तो डन हो गया, ये पानी ले लेते हैं, इतना पानी बचा है, हिमालय 32 वाला पानी। अंदर नहीं लेके जाएंगे, यहीं पे रखेंगे। देखो कैसा सब रखा है, जगह ही नहीं है, क्या करेंगे। जो स्ट्रेस बस्टर वाला पानी बनाए थे हमने कल, ये वाले में ही ले लेंगे, इसी में मिला देंगे, सही रहेगा। कल देखो ये भर के था ना, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो कितना सा बचा हुआ है, कल एक ही बार पिलाया है। सफर ही इतना लंबा तय करके आया है कि ये सारी चीजें नॉर्मली है। और दूसरे वाले जानवर की जो मैं बात कर रहा था रात में आने वाला था, वो रात में आया नहीं है, इंशाल्लाह वो जो है आज रात में आएगा। मैंने एक जगह पे होल्ड करवा दिया था ताकि ज्यादा लंबा सफर ना हो, सफर आसानी से जाए इसलिए। अब ये पिला देते हैं। क्या हो गया? अरे यार इसको देख के डर गई माही, देखो उड़ भी गया वो तो। अरे कितने दूर चले गए यार। चलो
शाम के 5 बज गए भाई, और हमारे जो सप्लीमेंट्स आने थे वो भी आ गए। दवाई बोलना इज नॉट गुड फॉर दिस। ये सारे हमारे सप्लीमेंट्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, यही सारी चीज़ें चाहिए थी मुझे। ये क्या क्या चीज़ें हैं सारी बताते हैं आपको, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जानवरों को देंगे तब बताते हैं। और ये हमारा तुअर भूसा इज बैक। जो नए जानवर आए हैं अपने, उनके लिए तुअर भूसा मंगाया है मैंने, खास उन्हीं के लिए जो है हमने तुअर भूसा मंगाया है। बाकी जानवरों को हम लोग वो नए जानवरों को फीड नहीं डाल रहे अभी फिलहाल, उनको तुअर भूसा, हरी पत्ती और कुट्टी, इस पे ही रखा है हमने। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, चलो भाई साफ सफाई करते, क्लाइमेट तो खतरनाक ठंडा हो गया है, बहुत ही गंदगी। यह तो कल साफ नहीं हुआ था ना शाम में, मैं नहीं था तो, मैं था मगर मैं दूसरे कामों में था, इसके लिए यहाँ का साफ नहीं हुआ है। रात सवेरे यहाँ का साफ हुआ, फिर गंदगी हो गई, साफ करना पड़ेगा। गेट अप गाइस, गेट अप। वर्षा, आर यू नॉट ओके टुडे? वर्षा का टेम्परेचर चेक कर लूंगा, थोड़ी सी डल लग रही है। ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ये क्लाइमेट के वजह से ही हुआ होगा, बाकी या तो फिर टेम्परेचर नहीं होगा। देखते हैं, जब तक हम टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट दिक्कत क्या है। क्या बोलते हो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ कान तो ठंडे लग रहे तुम्हारे, मगर कान को पकड़ के ही बस चेक नहीं कर सकते हम, टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, बुखार तो आएगा जरूर, ऐसा को पहले हम चेक कर लेते हैं। चलो भाई, इनका थर्मामीटर यही रूम में है, कोई टेंशन नहीं, वहाँ का जो थर्मामीटर है वहाँ उनके लिए यूज हो रहा है, यहाँ का इनके लिए, अभी हम चेक कर सकते हैं। आ जाओ वर्षा, ये देखो कितना टेम्परेचर आया, कितना दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है, 102.2। नॉट बैड वर्षा, यू कैन बी रिलैक्स्ड एंड आई कैन ऑल्सो बी रिलैक्स्ड। नहीं है इतना टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं। चलो साफ सफाई करते हैं। वर्षा जो है वहां से यहाँ आ गई, फिर से अपनी जगह पर। फीड मैंने उसको वहां रखा था, मुंह भी नहीं लगा रही थी अपने फीड को, और यहाँ देखो आते ही खाने लग गए। सिर्फ जगह बदलने से यह हाल है, सोचो उन जानवरों का क्या होता होगा, वो तो पार से आए। चलो भाई यहाँ का करते हैं अभी, इनको फीड तो नहीं डालना है मगर बहुत सारी चीजें करनी है बाकी। तो और भूसा लाया है ना इनके लिए, वो डाल देंगे इनको, और बाकी सारे जो ट्रीटमेंट बचे हैं वो हम वाइंड अप के टाइम पे करेंगे। लो भाई बरसिंग आ गई हमारी, और यहाँ पे जो है तुअर भूसा भी खुल गया है, और यहाँ पे इनको सबको तुअर भूसा डाल दिया, सबने खा लिया है। बरसिंग तो मुंह ही नहीं लगाते यार, अजीब है। थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आदत लगी जाएगी, और जब अंदर शिफ्ट होंगे तो बाकी जानवरों को खाते हुए देखेंगे तो खाना शुरू कर देंगे। चलो अभी यहाँ से चलते हैं और अम्मी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, उनकी तबीयत थोड़ी नरम गरम चल रही है अभी, वो चीज़ करते हैं अभी। अरे माही जल्दी चलो, तुम्हारे लिए रुके ले कब से, दवा खाने जाने गए कब से रुके यार, मेरा वाइंड अप हो जाता था अब तक। मैं तो जानवर को पानी पिलाने की तैयारी कर रहा था कोई वजह से, मगर अभी माही आ गई। चलो अम्मी की तो हालत देखो, फेस दिखा देता यार। ऐसे ही तो हमारे जानवर भी डल रहते, दिखा देते कि हमारी तबीयत खराब है, बस वो इंसानों की तरह जबान से बता नहीं पाते कि हमारी तबीयत खराब है, हमें ये तकलीफ हो रही है। ये देखो खांसी, चलो सीधा अंदर सीधा अंदर। भाई क्या क्लाइमेट खतरनाक ठंडा हो गया भाई, मेरे को तो ये जैकेट पहन के जाना पड़ा हमारा जिम वाला, मगर यहाँ नहीं जाएंगे अभी, पहले उतारेंगे, इसमें तो पूरी बास आ जाएगी और सारे हमारे जिम के लोग हमें बोलेंगे यार आप बकरियां भी पालते हो। चलो भाई 8 बजने आ गए, फटफट झटपट करते वाइंड अप, पहले जाते हैं गोल्ड रूम में। अम्मी को तो दवा खाने ले गए थे, ब्लड टेस्ट करने बोला है, अभी वो चीज करके आ गए, रिपोर्ट आ जाएगी 9 बजे तक, अभी रात के 9 बजे। ये भी एक बरसिंग नहीं खाती है, देखो वहाँ पे हरी पत्ती खा रही मगर ये बरसिंग नहीं खा रही, सही है। चलो यहाँ से तो हो गया हमारा, अब वहाँ चलते है, वहाँ का करते है, वहाँ बहुत कुछ बताना है आपको। चलो भाई शुरू कर दे, क्या क्या दे रहा हूँ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये RBC रेड ब्लड सेल्स के लिए, ये जो है ये है रेस्टेबल, ये लिक्विड स्ट्रेस बस्टर है, डिप्रेशन में होता है जानवर, स्ट्रेस में होता है उसके लिए। और ये इकोटास, ये पूरी पेट की गंदगी वंदगी ये वो सारी चीजें निकाल देता है, ये अभी नहीं दे रहे हम लोग। ये प्रोटीन सी, ये एग्जाबार, और ये सबसे मेन चीज कीटो फीड, ये है एनर्जी बूस्टर, दिन भर खाना नहीं भी खाए जानवर 20-20 ml सुबह शाम पिलाए तो काम भारी हो जाता है। ये भी वही है एग्जाबार जैसा मगर दूसरी कंपनी का, बस यही है। और ये एक दवाई है जो यूज़ कर रहे हैं हम, और ये भी वो कीटो फीड ही है। और ये शार्का फिरॉल, इसको बहुत से लोग चटनी के नाम से भी जानते हैं। और ये एक गमेक्स, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। सारी चीज़ जो है ये सारी सप्लीमेंट्स, सारी की सारी, अब बस देना है हमें ये हमारे पास नहीं था, ये तो हमने सवेरे दे दिया था, ये ख़त्म हो गया है, बस अभी देना है ये और ये कीटो फीड, ये दे देंगे। हाँ मेन चीज़ तो भूल ही गया मैं, ये भी देना बचा हुआ है। ये है हमारा लीवर टॉनिक, सारी चीज़ें आसान करने के लिए जो हम दवाई वगैरह दे रहे हैं
उसका लीवर पे कोई असर ना पड़े, अगर लीवर में कोई तकलीफ होगी तो वो भी दूर हो जाएगी इससे इंशाल्लाह। चलो भाई डन विद द वाइंड अप, नए जानवरों के पास भी और अंदर से गोट रूम में भी। हमारा जो जानवर आ रहा था जो ट्रेवलिंग में था वो काफी नजदीक आ गया है हमसे, बस हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक घंटे में आ जाएगा, 9:41 हो रहे हैं अभी, इंशाल्लाह एक आध घंटे में तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह। चलो ये ब्लॉग को यही तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं ब्लॉग से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। हाँ अगर चैनल देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर देना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। वंस अगेन कर दो भाई, अच्छा लगेगा मुझे। इतना नहीं कर सकते हो मेरे लिए आप लोग? और जो लोग हमारे ब्लॉग देखते हो अपने अपने स्टेटस पे स्टोरी पे लगाओ हमारे ब्लॉग। चलो भाई अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। वंस अगेन चार्जिंग का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है।